हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लास सिक्स इंग्लिश मीडियम और सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। द आवर न्यू चैप्टर इज द एज ऑफ मौर्याज, है ना, जो मौर्य वंश के युग के बारे में के उनके आयु के बारे में, है ना, मौर्यों की आयु। इसमें देखते हैं अलेक्जेंडर्स इन्वेशन, अलेक्जेंडर जिसको हम सिकंदर कहते हैं, उसका किस तरह से उनका उदय हुआ, किस तरह से कब आया वो इंडिया में, 326 BC के अंदर जो है वो महान शासक अलेक्जेंडर भारत में आया था। उसके बाद में द मौर्यन एम्पायर, मौर्य एम्पायर की बात कर रहे हैं, मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसे चाणक्य, है ना। उसके बाद में 321 BC के बारे में बता रहे हैं, जो कि कैपिटल पाटलिपुत्र, है ना, जो कि पटना है, ये उनका कैपिटल था मौर्य साम्राज्य का। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य आए, ठीक है, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैंगस्थनीज, ठीक है, हैवीली डेकोरेटेड एलिफेंट्स देख सकते हैं आप इसमें, प्रोसेशंस इन द मौर्य एम्पायर के शासनकाल में, है ना। मुगलों के बाद में मौर्य शासन के बारे में आया, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, यहाँ पर पूरी उनके डिटेल्स में ये दिया गया है, ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने के बाद में आपके समझ में आएगा। फिर बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए अलेक्जेंडर का इन्वेशंस, फिर मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, है ना, फिर मैंगस्थनीज, ये मैंगस्थनीज जो दूसरे देश का था, ये भारत आया था, चंद्रगुप्त किसका शासनकाल में आया था, मैंगस्थनीज चंद्रगुप्त के टाइम के आया था, ये ऐसी जानकारी मिली है। फिर उसके बाद में बिंदुसार, ठीक है, ये भी चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त सक्सीड बाय हिज सन, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का था, पुत्र था, वो बिंदुसार था, इसने अपने साम्राज्य को फैलाया, ठीक है, जो कि आज कर्नाटक तक है। कुछ पार्टी है जो मौर्य एम्पायर्स के थे, है ना, कलिंग मौर्य एम्पायर्स के। उसके बाद द ग्रेट अशोक, अशोक के बारे में सब जानते हैं, किस तरह से अशोक एक महान राजा था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके बाद में फिर जो अशोक था, इसने एक युद्ध हुआ और युद्ध के बाद में इसने अपने एटीट्यूड को चेंज कर लिया, ठीक है, मैसेज लोगों को मैसेज किया उसने युद्ध के बाद में किस तरह से। उसके बाद अशोक इंस्क्रिप्शन, शिलालेख के बारे में, किस तरह शिलालेख बने हुए हैं अशोक के समय के। फिर उसके बाद में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसका प्रबंधन प्रशासन किस तरह से था और उनका समाज किस तरह से था, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासनिक के बारे में, फिर आर्मी, फिर उसके बाद में टैक्स वसूला जाता था कर लगा के, है ना, फिर वेलफेयर मेजर्स, ठीक है, वेलफेयर मेजर की बात कर रहे हैं, वेलफेयर मेजर का मतलब होता है कल्याणकारी उपाय, किस तरह से कंस्ट्रक्शन, रोड बनाए गए, कुएं बनाए गए, घर बनाए गए। उसके बाद सोसाइटी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि और शूद्र आदि रहा करते थे, शूद्र जो थे वो सेवक हुआ करते थे। फिर किसान थी मेजोरिटी ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग किसान थे। फिर उसके बाद में द एंड ऑफ द एम्पायर, ऐसा माना जाता है कि अशोक जो शासक था वो 37 साल तक शासन था उसका, लेकिन उसका जो साम्राज्य था वो कंटिन्यू चला ये 50 सालों तक, फिर उसका अंत
हो गया। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। पर सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको चूज द करेक्ट ऑप्शंस, इसका आंसर आपको पीडीएफ द्वारा भेज दिए गए हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके आंसर भी दे दिए गए हैं आपको। ठीक है, फिलअप है 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिलअप्स हैं। उसके बाद में ट्रू फॉल्स ये भी आपको सेंड कर दिया। आप देखते हैं हम इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेम टू लिटरेरी सोर्स ऑफ द मौर्य पीरियड्स। लिटरेरी मतलब साहित्यिक। ठीक है, अपने को दो सोर्सेज बताना है, दो प्रसाधन बताना है जिसके द्वारा मौर्य पीरियड्स के हमें दो सोर्सेज बताना है, साहित्य के दो सोर्सेज बताना है। चलिए, दो सोर्स कौन से थे भाई? तो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख, और दूसरा हिसाब किताब, मैगस्थनीस अकाउंट। मैगस्थनीस अकाउंट, अकाउंट मतलब होता है हिसाब किताब। तो ये दो सोर्स थे, एक शिलालेख और दूसरा मैगस्थनीस के हिसाब किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा सेकंड, हु वाज मैगस्थनीस, मैगस्थनीस कौन था? चलिए आंसर देखते हैं। मैगस्थनीस वाज द ग्रीक इनोवे ऑफ सेल्वियस निकेटर। देखिए, जो मैगस्थनीस था वो ग्रीक जो देश है उसका एनोवे, एनोवे मतलब प्रतिनिधि था, दूत था उसका, ऑफ सेल्विकस, है ना, सेल्विकस दूत था। और सेल्विकस निकेटर कौन था? ये सेल्विकस निकेटर मतलब वो ग्रीस का रहने वाला था, और वो जो था एक दूत था, किसका? सेल्विकस निकेटर का दूत था वो। दूत मतलब प्रतिनिधि, जो अपनी बात, अपने राजा की बात एक देश से दूसरे देश पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लायन कैपिटल इन इंडिया। देखिए सिग्निफिकेंस, अब सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं हम, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण, खास, जो, या महत्व बोल सकते हैं। लॉयन कैपिटल इंडिया, लॉयन कैपिटल इंडिया, इसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। कैपिटल इंडिया के लॉयन, जो कि लॉयन है, उसके बारे में पूछ रहा है वो। इट इज़ द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। एम्ब्लेम मतलब प्रतीक होता है। तो जो एक बड़ा सिंह है उसका क्या प्रतीक है? तो उसका प्रतीक यह है कि वो हमारे देश का एक राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कंट्री इज वेयर अशोका प्रोपेगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ धम्म। देखिए, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक तो सबसे पहले प्रोपेगेटेड की बात कर रहे हैं हम, प्रसारित। प्रोपेगेटेड का मतलब होता है प्रसारित। तो हमें कुछ कंट्री के बारे में बताना है जिसके कारण जो धम्म के सिद्धांत को प्रसारित करते हैं, है ना, मतलब जहाँ पर धम्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो श्रीलंका और बर्मा ऐसे दो देश हैं जहाँ से हमें इस तरह के जो प्रसारण मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, जो धम्म बनाया गया था उसके प्रसारण हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, विच वार चेंज अशोक लाइफ एंड वाई। अशोक की लाइफ किस तरह से बदली और क्यों? आंसर देख सकते हैं हम। द वॉज ऑफ कलिंग चेंज द एटीट्यूड ऑफ अशोका। द वॉर, ठीक है, यहाँ पर वॉज लिखा है लेकिन यहाँ पर है वॉर आएगा, यहाँ पर WAR, वॉर। जो कलिंग का जो युद्ध था
उसने अशोक के एटीट्यूड को पूरी तरह से व्यवहार को चेंज कर दिया। क्यों? द ब्लस्ड, ब्लस्ड मतलब रक्त धाराएं, एक तो रक्त धाराएं, साथ में वेलिंग ऑफ विडोज, वेलिंग मतलब रोना, विधवाओं का जो उसमें पुरुष मारे गए थे उनकी विधवाओं का विलाप रोना, ऑर्फेंस चेंज इज लाइफ एंड ऑर्फेंस, ऑर्फेंस मतलब अनाथ, बहुत सारे उसमें बच्चे अनाथ हो गए, तो ये सब देखकर उसने अपने दिमाग को, अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। थैंक यू।